क्या बकवास कर रहे तू? क्या हो गया, क्या हो गया? सुन लो उससे क्या हो गया। क्या बेटा? क्या दूसरे पापा चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए फनी वीडियो का नया एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे अनोखे परियों के साथ साथ माँ के उन बेवड़े मगरमच्छ को भी हरकतें देखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपट कर देगी, इसकी तो फुल गारंटी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब मिलिए इस मोहतरमा से जो स्टेज पर आई थी गाना गाने, और गाना गाते गाते मैडम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और गाना कूद कूद कर गाने लगी। नो 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 अरे भैया, साड़ी पहनकर भी कोई हनी सिंह बनता है क्या? खैर छोड़ो, मोहतरमा ने तो अपना पोपट करवा ही लिया। अब मिली और एक नई परी से जो शादी के बाद फोटो खिंचवाने आई थी। इनको कोई फोटो पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर क्या, कैमरामैन ने दिमाग लगाया, दोनों को कहीं दूर कीचड़ के सामने ले गया और भाई साहब को बोला आप अपनी वाइफ को गोद में उठा लीजिए, इससे फोटो अच्छी क्लिक होगी। और पति साहब ने ऐसा ही किया, मैडम को गोद उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। फिर क्या, अनबैलेंस होकर दोनों कीचड़ में ही लिपट गए। अब भाई मिलिए इसके बाद इस पोपट लाल से जो खुद को तीसमार खान समझता है, ये ट्रक के धुआं को अपने पैर से रोकने की कोशिश करता है। मतलब देख रहे हो ना आप, चले हैं खुद को तीसमार खान समझने। अब जरा इस बंदे को देखो, जिम एक्सरसाइज करते करते अपनी टी शर्ट उतारने लगा। मतलब यार देख रहे हो ना, बंदे ने टी शर्ट उतारा तो मशीन इनको ही उतार दिया। अब जरा इनकी हरकतें देखो, भाई साहब ने एक कैरेट हटाने लगे तो दूसरा गिरने लगा, फिर दूसरा बचाने के चक्कर में तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, फिर ढेर हो गया। वाह भाई, तूने तो मौज कर दिया। अब इन कारीगरों को ही देखिए, कितने दिनों लगन से काम कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे कील ठोक रहे हैं जैसे भूल ही गए कि इनका गर्दन भी अंदर ही रह गई। ये फंस गया सी है। वैसे तो बरसात के दिनों में रोड पर पानी जमा हो जाता है, इसलिए रोड साइड में जालीदार नाला बना दिया जाता है। लेकिन इनको देखो, इसे देखकर समझ नहीं आता कि नाला है या कुछ और। भाई रोड के सामने ऐसा नाला बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? न इसमें पानी जा सकती है, न कीचड़ जा सकती है। भाई साहब ने ऐसा क्यों बनाया है? अब इनसे ही जाके मिलना पड़ेगा। भाई अब रोड बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, ये तो आपको पता है। लेकिन इतना सब जाने के बाद भी कोई बंदा ऐसी हरकतें करता है, ये फोटो देखकर तो ऐसा लगता है कि रोड बनाने वालों से जरूर कोई पुरानी दुश्मनी होगी, उसी का बदला ले रहे हैं ये। खैर जो भी हो, रोड को तो इन्होंने पोपट बना ही दिया।